जय हिंद इस वीडियो में ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे पिछले एक दो दिनों से इस कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और अपर सर्किट लगने के बावजूद इसमें 30 लाख एमओ ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं अर्थात इतने लोग इस कंपनी के शेयर को बाय करना चाहते हैं और साथ में इसका जो फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट आने वाला है हो रिपोर्ट कब तक आएगा और इसका इस कंपनी के शेयर प्राइस पर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में भी तसली और तफसी से बात होगी कुल जहाँ बात यह है कि वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है पूरा देखिएगा और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा मैं कहता नहीं हूँ और आप लोग करते नहीं है लाइक जरूर कर दिया कीजिए इससे

काफ़ी दिनों के बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस थ्री डिजिट में देखने को मिल रहा है क्योंकि जब नीचे जा रहा था तो काफ़ी नीचे चला गया था इस कंपनी का शेयर प्राइस और फाइनली अब जाके इसमें तेज़ी आना शुरू हुआ आप देखेंगे लगभग पाँच परसेंट का अपर सर्किट इसमें लगा है और हाई लगा चुका है एक सौ का अर्थात इस कंपनी का शेयर प्राइस अधिकतम यहाँ तक आया है और यह आया था पिछले साल दिसंबर में सत्रह दिसंबर को उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस डाउन जाने लगा तो जैसा कि अमूमन हर एक के स्टॉक में होता है जब किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस एक अच्छा खासा हाई बना लेता है उसके बाद थोड़ा सा टूटता है या कॉन्सल्टेशन रेंज में चला जाता है

को सेल करना के लिए कह रहे हैं हालांकि यह कोई खास मायने नहीं रखता अब कि है और अभी ये बात निकल कर सामने आ रही है, है, है यह रिपोर्ट कब तक आएगा उम्मीद है कि अगले सप्ताह में यह रिपोर्ट आ सकता है और सबसे जो बड़ी बात यह कि जो फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट आने वाला है वो पॉजिटिव रहेगा ऐसा मान के चला जा रहा है देखिए होता क्या है कि अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं पॉजिटिव आने वाला है क्योंकि इसका पैटर्न को देखकर इसमें जो बड़ी बड़ी खरीदारी हो रही है उसको देखकर और होता क्या है कि जब भी कोई न्यूज आने वाले होते हैं ना कंपनी से रिलेटेड तो मार्केट में बाद में आती है और जो इन होते हैं कंपनी के उनके पास पहले पहुंच जाती है यही कारण है कि इसमें तेजी देखने को मिल रहा है मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं जब येस बैंक के साथ फ्रॉड हुआ था तो उसका शेयर प्राइस चार पर था और धीरे धीरे शेयर प्राइस डाउन होने लगा तीन तक आया साढ़े तीन तक आया अढ़ाई तक आया फाइनली कम होकर तीस रुपए तक आया और तीस रुपए तक आया उसके बाद वह न्यूज बाहर निकलकर सामने आई लेकिन जो उसके इंसाइडर्स थे जो अंदर के लोग थे उनको यह खबर पहले ही लग चुकी थी कि इसका शेयर प्राइस डाउन जाने वाला है क्योंकि इसमें फ्रॉड हो चुका है तो इसलिए जो भी इस तरह की न्यूज होती है मार्केट में बाद में आती है और जो इंसाइडर्स होते हैं उनके पास पहले पहुँच जाती है इसलिए मैंने कहा कि ये रिपोर्ट आने वाली है इसके जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पॉजिटिव आने वाली है इसीलिए शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिल रही है अगर यह रिपोर्ट निगेटिव आती तो इतना लोग खरीदारी इसमें नहीं करते अब समझेंगे इसका जो मान लीजिए अभी पॉजिटिव न्यूज़ आने वाला है तो इसलिए इसका टारगेट रहेगा वो रहेगा ढाई सौ रुपये तक का मतलब अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो कंपनी का शेयर एक सौ दो रुपए के आसपास तक है अढ़ाई सौ रुपए तक आपको जाते हुए दिख सकता है और अभी तो इसके क्वार्टर फोर के नतीजे भी आने वाले हैं तो नतीजे अगर अच्छे हैं तो अब तो बहुत ऊपर कंपनी लेकर आपको चला जाएगा आप समझेंगे इस कंपनी का पी रेशियो है चौबीस पॉइंट तीन रुपये के आसपास यानी कि इसमें अभी एंट्री लेने के लिए परफेक्ट टाइम है लेकिन क्या हमें सिर्फ पी रेशियो देखकर किसी स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए इसका जवाब है नहीं अभी समझिए इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है अभी ग्राफ में है और दूसरी बात इसका आर एस आई है सत्तर सत्तर है यानी कि अस्सी के आसपास तक तो आराम तो से जाएगा और जब आर एस आई अस्सी के आसपास जाएगा तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा गिरावट होगा और गिरावट होने के बाद फिर आर एस आई ऊपर जाएगा तो आप ध्यान देते रहिए जब आर एस आई अस्सी के पास जाएगा थोड़ा सा गिरावट होगा कैसे पता लगेगा कि आर एस एवं गिरावट हो रहा है क्योंकि शेयर प्राइस में भी गिरावट होगा जब आर ए नीचे जाएगा तो शेयर प्राइस में नीचे जाएगा तब वहाँ पर आप इसमें इंट्री ले लीजिएगा और यह जो कंपनी है डेप्ट फ्री है मतलब इसके ऊपर बिल्कुल कर्जा नहीं है और सबसे अच्छी बात है कि इसके पास तीन करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है मतलब रिजर्व है एक बात स्पष्ट है कंपनी का फंडामेंटल ठीक है बिजनेस मडल तो ठीक है ये साथ में इतने सारे जो पॉजिटिव न्यूज निकल कर सामने आ रहे हैं तो हमें इस कंपनी के स्टॉक को बाय करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर्स नहीं है तो और अगर आप और अपना स्टॉक बढ़ाना चाहते हैं तब भी इसके बारे में आप सोच सकते हैं एक ही दिक्कत है कि यह कंपनी अभी लिस्ट में है और उसमें भी देखेंगे तो स्टेज फोर में है। तो तो के बाद तो कोई दूसरा स्टेज होता नहीं है यानी कि अब या यह एस एस लिस्ट से बाहर आने वाला है और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब कंपनी ए एस लिस्ट में होती है तो उस समय आप इसमें इंटरनेट ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं और साथ में कोई कंपनी जब एस या जी लिस्ट में होती है तो उसका शेयर प्राइस पाँच परसेंट के सर्किट से ऊपर या नीचे की तरफ जाता है इसीलिए इस कंपनी का शेयर प्राइस पाँच के हिसाब से ऊपर जा रहा है तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो बातें बताई आपको समझ में आए होंगे वीडियो इनफॉर्मेटिव लगा होगा फिर भी अगर मन में कोई सवाल है या कन्फ्यूज है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद शुक्रिया